नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, अवैध खनन, भ्रष्टाचार सहित साहिबगंज में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत के खिलाफ भाजपा का धरना प्रदर्शन साहिबगंज के रेलवे प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश, राजमहल के विधायक अनंत ओझा सहित संथाल परगना के कई विधायक मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी से राज्य में गिरती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले में जिस प्रकार से गुंडाराज चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं देश के 4 राज्यों में हुई भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साहिबगंज के महाधरना के मंच से खुलेआम यह घोषणा की कि कभी भी हेमंत सोरेन की सरकार गिर सकती है और राज्य में कानून व्यवस्था और दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हल्ला बोल दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस गुंडे के समान हरकत कर रही है, लोगों को थाने में बैठा कर पीट पीट कर जान ले रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है, इससे यह प्रतीत होता है कि झारखंड में सरकार ही नहीं, राज्य हेमंत सोरेन के पुलिसिया गुंडों की राज्य चल रही है। साहिबगंज के रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित भाजपा के महाधरना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, देवघर विधायक नारायण दास, राजमहल विधायक अनंत ओझा, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव, सूर्या हांसदा सहित भाजपा के कई दिग्गज पहुंचे थे। इस मंच से राजमहल विधायक अनंत ओझा, सूर्या हांसदा और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने भी लोगों को संबोधित किया। वहीं दीपक प्रकाश ने खुलेआम सरकार जाने के संकेत दिए तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने राज्य में गुंडों की राज कायम होने की बात कही। इसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए 300 एकड़ जमीन अपने नाम कराने की बात भी कही। झारखंड में जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग आज खुलेआम जमीन की लूट कर रहे हैं और अपने सगे संबंधियों के नाम जमीन करा रहे हैं। यहाँ तक कि खदानों की भी लूट भी सरकार में बैठे लोग, स्वयं मुख्यमंत्री और उनके निजी सहायक के द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस हुल का आगाज आज साहिबगंज से किया गया है, अब यह हुल अब राज्य के सभी जिलों में की जाएगी और जब तक हेमंत सोरेन की सरकार नहीं चली जाती, तब तक भाजपा बिगुल बजाती रहेगी। बहरहाल साहिबगंज में हुई भाजपा के महाधरना में दिग्गजों ने कई संकेत दिए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इन सभी संकेतों के मायने क्या निकल कर आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस थानेदार के ऊपर एफआईआर होता, उसको जेल में डाल देते, तो फिर कोई दूसरा थानेदार ये हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, बल्कि वैसे थानेदार को पुरस्कृत किया। और इतना ही नहीं, जो होनहार थानेदार थे, जिसे अपराधी डरते थे, जो अपराधियों को पकड़ करके जेल में बंद करने की तैयारी कर रहे थे, वैसा थानेदार, आदिवासी थानेदार थी, रूपा तिर्की की महिला थी, उनकी तो किस प्रकार से मौत हुई है थाना के अंदर में। यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से महसूस हुआ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। आपका उत्साह देखकर यह महसूस हो रहा है कि अब हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और इस धरती के अंदर आज हुल का कार्यक्रम हुआ है।